लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद प्रज्ञा हिंदी सेवार्थ संस्थान ट्रस्ट फिरोजाबाद द्वारा संचालित जागरूक शिक्षक अभिभावक मंच की प्रथम कृति आत्ममंथन, जिसके लेखक सुभाष चंद्र का लोकार्पण एवं होली मिलन गोष्ठी का आयोजन सुहागनगर स्थित प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में किया गया। प्रथम कृति के विमोचनकर्ता एसआर के पीजी कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी डॉक्टर अशोक तिवारी रहे। पुस्तक समीक्षक डॉक्टर रामस्नेही लाल शर्मा रहे। प्रमुख शिक्षाविद एवं मुख्य वक्ता हरिकिशोर दीक्षित रहे। संचालन ट्रस्ट के सचिव कृष्ण कुमार कनक ने किया। संयोजक श्रीमती दया यादव, कुमारी दिव्य सृष्टि दिव्या भी मौजूद रहीं। वहीं काव्य गोष्ठी में कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। लाड़ीला कहीं कहीं इतना रोती है, उस माँ से जाकर पूछो जो अपना बेटा खोती है, उस माँ से जाकर पूछो जो अपना बेटा खोती है। और संस्थान और जागरूक अध्यापक जागरूक शिक्षक अभिभावक मंच की ओर से आयोजित एक आयोजन है। इस आयोजन के अंतर्गत श्री सुभाष चंद्र यादव, जो लंबे समय से शिक्षक हैं और शिक्षा के गिरते हुए स्तर और विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अरुचि के प्रति विशेष सावधान हैं, जिन्होंने लंबे समय से निरंतर अपने आप प्रयोग करके ये प्रयास किया है कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, और न केवल स्तर सुधारा जाए, उसे अभिभावकों को भी बालकों की शिक्षा में सहभागी बनाया जाए। इस प्रकार के प्रयास के फलस्वरूप उन्होंने तमाम रैलियां की, तमाम आयोजन किए, शिक्षकों और अभिभावकों के सम्मिलित आयोजन किए, और साथ में कई पैम्पलेट्स लिखकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इन सारे पैम्पलेट्स और विभिन्न समयों पर दिए गए भाषणों का संग्रह करके उन्होंने एक पुस्तक आत्ममंथन नाम से प्रकाशित कराई है। उसी पुस्तक का आज विमोचन है, और उसमें शहर नगर के सभी बुद्धिजीवी और शिक्षा में रुचि रखने वाले लोग सम्मिलित हुए हैं। यह आयोजन उसी संदर्भ में है।